मैंने आपको बताया कि मैं आया हुआ हूँ कराची के सबसे बड़े खाल के गोदाम में, जो कि ईद के दिनों में लगाया जाता है। इस खाल के गोदाम, ये बहुत बड़ा खाल का गोदाम है और ये लगता है दावत इस्लामी का मरकज, सहराए मदीना कराची टूल प्लाजा के करीब बिल्कुल। और ये सहराए मदीना में हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रजा का मज़ार भी है और सबसे बड़ा खाल का गोदाम ये कराची का इधर सहराए मदीना में लगता है। इधर जामतुल मदीना भी है, देखें ये जामतुल मदीना भी बना हुआ है और पूरा आगे मस्जिद भी है और ये कुर्बानी के जानवर भी इधर बहुत सारे बने हुए हैं। वो खाल का सेटअप मैं आगे दिखाता हूँ आपको, बहुत ही बड़ा खाल का सेटअप है, इतना बड़ा सारा इधर खाल का सेटअप गोदाम लगाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। और जितने ट्रक आए जा रहे हैं और इतने सारे ट्रक हैं कि गिन भी नहीं सकते, कि इतने बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। और खालें तो बेतहाशा हैं, ये जितनी भी जोगियाँ बनी हुई हैं तकरीबन एक से लेकर तकरीबन इधर बहुत सारी जोगियाँ बनी हुई हैं। ये 15, 16, 17, 18, 20, 22, 30, 40 जोगियाँ हैं यहाँ मैं देख रहा हूँ और तमाम खाल अभी से ही भरना शुरू हो गई। नमक लगाया जाता है जो कि बगावत के लिए लगाया जाता है और देखें कितनी बोरियों के पहाड़ बने हुए हैं इधर, नमक की बोरियों के पहाड़। और पीछे चलें तो ये देखें इधर एक ट्रक भी खड़ा हुआ है जिसके ऊपर खालें लटकी हुई हैं और अंदर भी खालें थी। और ये देखें अभी हम आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं, ये देखें कितनी खालें इस ट्रक में से निकाली गई हैं। और वो देखें ये जो खालें हैं उन पर नमक लग चुका है, ये पहाड़ खालों के बन रहे हैं और एक पहाड़ में तकरीबन 200 से 300 400 तक खालें इसमें लगाई जाती हैं। और ये देखें कितनी खालें पड़ी हैं माशाल्लाह से। ये दावत इस्लामी का सबसे बड़ा खाल का मरकज सहराए मदीना है और बहुत ही खूबसूरत। ये देखें पूरा ट्रक अभी खाली हुआ है, ये पूरा ट्रक अभी खाली हुआ है और कितनी खालें देखें, कितनी खालें माशाल्लाह। ये देखें ये कराची वाले इतनी कुर्बानी करते हैं कि देखें ये इतना बड़ा सारा खाल का गोदाम ये पूरा भर जाता है। ये पहला दिन है और ये भरना शुरू हो गया है, ये पहाड़ के पहाड़ ये देखें कितने पहाड़ के पहाड़ बन रहे हैं। और ये नमक के गोदाम, नमक की ये जो बोरियां हैं ये सारे नमक इस पर धड़ाधड़ लग रहा है, मजदूर सारे काम कर रहे हैं लगातार। सुबह से ही जैसे ही कुर्बानी होना शुरू हुई है यहाँ पर खाल के लिए ये आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे खाल के खूब अंबार लगना शुरू हो गया है, एक तो इस तरफ और आगे दूसरी तरफ भी एक ही पूरा ये गोदाम बना हुआ है और ये लगा हुआ है और ये धड़ाधड़ी ये ट्रक खड़ा हुआ है इधर और इतने सारे लाइन से इतने सारे ट्रक खड़े हैं और उतने जा रहे हैं। देखें इधर भी देखें कितने ये दूसरी साइड थी ये भी फुल भरी हुई है और कितना देखें इधर कितने ही सारे ये देखें माशाल्लाह से कितना ये देखें ये नीचे से लेके बिल्कुल नीचे से लेके नमक भरना शुरू हुआ है। और ये एक खाल रखते हैं फिर उसके ऊपर नमक लगाते हैं, फिर दूसरी खाल रखते हैं उसके ऊपर नमक लगाते हैं, ये उल्टी करके बिछाते रहते हैं और नमक लगाते रहते हैं। ये देखें ये सारी खालें और इस पहाड़ में उन्होंने बताया कि 400 से 500 खालें आराम से लग सकती हैं। देखें और ये है नमक और ये मजदूर काम कर रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। ये देखें कितनी तेज़ी से इधर काम हो रहा है। देखें ये थे खाल के गोदाम की कुछ अपडेट, सहराए मदीना कराची टूल प्लाजा के करीब दावत इस्लामी का मरकज सहराए मदीना में। और देखें एक दो तीन ऐसे ही पता नहीं कितने सारे इधर खाल के गोदाम हैं और जो के खाल की जोगियाँ बनी हुई हैं, एक जोगी दो जोगी ऐसे 30-40 जोगियाँ इधर बनी हुई हैं। बहुत बड़ा सेटअप है और माशाल्लाह से पहले ही दिन में इतना सारा कराची के लोगों ने दावत इस्लामी को सपोर्ट किया है कि इतनी सारी खालें दी हैं और इधर अब नमक लगा के उसको स्टोर किया जा रहा है। खालों का सेटअप होता है इसमें 10 घंटे के अंदर अंदर इसको नमक लगाना होता है, वरना ये जो खाल होती है ख़राब होना शुरू हो जाती है। 10 घंटे से अंदर अंदर अगर इसको नमक लगा दिया जाए तो ये ठीक रहती है और ये चमड़े के लिए तैयार हो जाती है, नहीं तो फिर ये खाल जो होती है वो ख़राब हो जाती है। खालों पे नमक लगाया जा रहा है, देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से इधर नमक लगाया जा रहा है छोटी खालों पर और छोटी खालों की दगावत की जा रही है और इतनी सारी छोटी खालें हैं। देखें कितनी सारी छोटी खालें इधर आई हुई हैं और ये ट्रक पर भी लटकी हुई हैं इतनी सारी और ट्रक के अंदर भी हैं। और आगे चलते हैं तो आगे भी देखें कितनी सारी इन्होंने ये सारी छोटी खालें हैं, ये बकरे की दुम्बे की खालें हैं। देखें
लाइन से पड़ी हुई हैं और लगाए जा रहे हैं। देखें कितनी सारी हैं और ये हो रहा है सेटअप इधर सारा। ये दावत इस्लामी को जो लोग खाले देते हैं इधर आके, इधर ये स्टोर होती हैं, फिर कुछ महीने बाद उनको इनको बेच दिया जाता है। फिर इससे जो फंड आता है ये दावत इस्लामी दीनी काम नेक काम में इसको खर्च करती है। ये कराची वालों का सपोर्ट है कि ये कराची वाले को इतनी खाले दे, कराची वाले दावत इस्लामी को इतनी खाले देते हैं और दावत इस्लामी नेक काम में खूब बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा मिलाती रहती है और कराची वाले हिस्सा मिलाते रहते हैं और खूब बढ़ चढ़ कर दावत इस्लामी के साथ तआवुन करते हैं कराची वाले। तो ये दावत इस्लामी खूब बढ़ चढ़ कर, जैसे इनका मदनी चैनल फ्री चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इनका मदनी हेल्थ केयर सेंटर है और भी बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं जो फ्री फ्री चल रही हैं। जामतुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है, लाखों लाख बच्चा उसमें पढ़ रहा है, फ्री पढ़ रहा है। ये दावत इस्लामी की बेस्ट जो है एक काविश है, ये सारा पार्क का सेटअप है। लाखों रुपए का इधर नमक आया हुआ है, लाखों रुपए का नमक लगाया जा रहा है।